हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, एंड इंट्रोडक्शन यानी कि डेफिनेशन ऑप्थैल्मिक प्रोडक्ट की क्या होती है, एसेंशियल कैरेक्टर पढ़ेंगे, और आई ड्रॉप क्या होता है, कौन कौन आई ड्रॉप का फॉर्मूलेशन कैसे होता है, कौन कौन से इन्ग्रीडियंट यूज़ किए जाते हैं। फिर अब आते हैं डेफिनेशन। ऑप्थैल्मिक प्रोडक्ट आर द स्टराइल प्रोडक्ट मीन्ट फॉर इंस्टॉलेशन इन द आई इन द स्पेस बिटवीन द आईलिड्स और आईबॉल। आई ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन क्या होती है, स्टराइल प्रोडक्ट होते हैं जो किस लिए, आई में इंस्टॉल करने के लिए या आई में डालने के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, बिटवीन द आईलिड्स एंड आईबॉल। आईलिड्स के बीच में और आईबॉल में ये इनका पेनिट्रेशन या इंस्टॉलेशन किया जाता है। दिस प्रोडक्ट मस्ट बी स्टराइल, ये स्टराइल होने चाहिए, प्रिपेयर्ड अंडर द सेम कंडीशन, कुछ कंडीशन के अंतर्गत, जैसे लाइक पेरेंटल प्रिपरेशन जिस कंडीशन के अंतर्गत बनाई जाती है, उसी कंडीशन के अंतर्गत ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन बनाई जाती हैं। ओके, ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन क्या होती हैं, आई ड्रॉप, आई लोशन, आई ऑइंटमेंट, आई सस्पेंशन, कॉन्टैक्ट लेंसेस, सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट में, एसेंशियल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं भाई। ऑप्थैल्मिक प्रोडक्ट के प्रोसेस में क्या होना चाहिए, फॉरेन पार्टिकल्स, विस्कोसिटी, टोनिसिटी, पीएच ऑफ प्रिपरेशन, स्टेरिलिटी एंड सरफेस एक्टिविटी। अब देखिए, फॉरेन पार्टिकल्स, ऑल द ऑप्थैल्मिक प्रोडक्ट शुड बी क्लियर एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। जो भी ऑप्थैल्मिक प्रोडक्ट है वो क्लियर होना चाहिए और फॉरेन पार्टिकल्स से फ्री होना चाहिए, लाइक फाइबर्स, फिलामेंट उसमें नहीं होने चाहिए और क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी क्लियर वेरी केयरफुली बाय पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर। इसको कैसे क्लियर किया जाए, अगर फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट है आई ड्रॉप में तो उसे कैसे क्लियर करेंगे भाई, मेम्ब्रेन फिल्टर से या सिंटर्ड ग्लास फिल्टर से उसे फिल्ट्रेशन कर लेंगे उसका। ओके, फिर आते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या, इन द ऑर्डर ऑफ प्रोलॉन्ग एक्शन कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ ड्रग इन आई, डिफरेंट थिकनिंग एजेंट आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन एज। भाई आई ड्रॉप की प्रिपरेशन जो बनाते हैं उसकी विस्कोसिटी मेंटेन करना भी जरूरी होता है, इसलिए विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनका नाम है मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल। ये कुछ सब्सटेंस है जो एज अ विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं या एज अ थिकनिंग एजेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। फिर अब आते हैं हम टोनिसिटी पे। टोनिसिटी, ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन मस्ट बी टोन आइसोटोनिक विद लैक्राइमल सिक्रीशन। क्या होता है, जो हमारा ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन है वो आइसोटोनिक होना चाहिए विद द लैक्राइमल सिक्रीशन। लैक्राइमल सिक्रीशन क्या है, लैक्राइमल एक ग्लैंड होती है, उससे कुछ सलाइवा टाइप का निकलता है, वो सिक्रीशन जो होता है उसे बोलते हैं लैक्राइमल सिक्रीशन। टू अवॉइड द इरिटेशन और डिसकंफर्ट को अवॉइड करने के लिए कई सारे व्हीकल यूज़ किए जाते हैं, आइसोटोनिक व्हीकल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बोरिक एसिड, सोडियम एसिड, फॉस्फेट बफर। ओके, फिर अब आते हैं पीएच प्रिपरेशन। पीएच इज ऑलवेज प्ले अ विटल रोल। पीएच क्या करता है, एक महत्वपूर्ण रोल थेरापिटिक एक्टिविटी में शो करता है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी और कंफर्ट टू द पेशेंट के लिए। जो पीएच मेंटेन करते हैं वो किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए और पेशेंट को कंफर्ट फील कराए, इसलिए यूज़ करते हैं। टीयर्स का पीएच 7.4 होता है, जो हमारी ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन होगी उसका पीएच मोस्ट ऑफ द टीयर के पीएच के बिलो होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत हाई होगा चलेगा लेकिन ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। फिर आता है स्टेरिलिटी। ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन मस्ट बी स्टराइल व्हेन प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन जो है वो किस लिए स्टराइल की जाती है, बहुत ज़रूरी होती है स्टराइल करना, क्योंकि वो जब बनाया जाता है तो इसमें ये देखा जाता है कि उसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट तो नहीं है, वो जो कि कॉर्निया के लिए बहुत हार्मफुल होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, या तो 24 से 48 घंटे के अंदर, अगर ये चला गया तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी आई भी जा सकती है, इसलिए इसको मेंटेन कर, अगर हम स्टराइल कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं कि वो स्टेरिलिटी उसकी मेंटेन बनी रहे। अब आता है सरफेस एक्टिविटी। मैनी व्हीकल यूज्ड इन द प्रिपरेशन टू गिव मस्ट गुड रिटर्न बाय द
पेनिट्रेट द कॉर्निया. सरफेस एक्टिविटी मतलब कुछ व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारा जो भी हमारी आई प्रिपरेशन है वो आईज की कॉर्निया में पेनिट्रेट हो सके और अदर टिश्यू पे पेनिट्रेट हो सके. तो इसके लिए कुछ वेटिंग एजेंट और सर्फेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि पॉलीसॉर्बेट 20, पॉलीसॉर्बेट 80, बेंजालकोनियम क्लोराइड, डाइसिटाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट. अब आते हैं आई ड्रॉप. आई ड्रॉप क्या होता है? आई ड्रॉप आर स्टेराइल एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ द ड्रग दैट आर इंस्टॉल्ड इन आई विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर यूज्ड फॉर द डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक पर्पज. कंटेन ड्रग हैविंग एंटीसेप्टिक, एंटी एनेस्थेटिक, माइड्रेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज. क्या होता है आई ड्रॉप जो होता है वो हमारा स्टेराइल एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन और सस्पेंशन होता है जो कि हमारी आई में विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की हेल्प से इंस्टॉल किया जाता है. और इसमें जो मतलब कि आईज़ को डायग्नोस्टिक करने के लिए उसके थेरापेटिक पर्पज के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ करी जाती है एंटीसेप्टिक, एंटी एनेस्थेटिक, माइड्रेटिक या एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ की होती हैं. फिर आते हैं फॉर्मूलेशन या एडिटिव ऑफ आई ड्रॉप. कौन कौन से एडिटिव्स यूज होते हैं? ड्रग प्रजर्वेटिव, स्टेलाइजेशन, आइसोटोनिसिटी, बफर, विस्कोसिटी, वेटिंग एजेंट, एंटी ऑक्सीडेंट, चिलेटिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट एंड कंटेनर लेबल. ओके, तो ड्रग दिस कंटेन ड्रग वेरियस कैटेगरी इंक्लूडेड. जो ड्रग होती है वो वेरियस कैटेगरीज की हो सकती है, एंटीसेप्टिक हो सकती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एनेस्थेटिक एंड माइड्रेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रिजर्वेटिव प्ले अ विटल रोल फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन. जो प्रिजर्वेटिव है एक ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन के फॉर्मुलेशन में एक विटल रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. प्रिजर्वेटिव प्रोवाइड स्टेबिलिटी. द प्रिजर्वेटिव जो है वो प्रोडक्ट हुआ स्टेबिलिटी और यूज लाइक जो चीज़ें यूज़ करी जाती है क्लोरम ब्यूटॉल हो गया, बेंजालकोनियम क्लोराइड हो गया, फिनॉल मर्क्यूरिक एसिड हो गया, फिनॉल मर्क्यूरिक नाइट्रेट हो गया. फिर आता है स्टेलाइजेशन. आई ड्रॉप आर स्टेलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव एट 121 फॉर 15 मिनट्स. तो क्या होता है जो स्टेलाइजेशन करते हैं आई ड्रॉप का वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट्स के लिए बाय बैक्टीरिया फिल्टर अवॉइड थर्मल डिग्रेडेशन, जिससे बैक्टीरिया और फिर बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं. फिर आते हैं आइसोटोनिसिटी. ऑल द सॉल्यूट इंक्लूडेड ड्रग कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द आई सब्सटेंस यूज लाइक. आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन होना चाहिए. सोडियम क्लोराइड 9% यूज़ करते हैं और बोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड 0.9% और बोरिक एसिड 1.9% यूज़ किया जाता है. ओके, फिर उसके बाद आते हैं बफर्स. द बफर्स शुड बी मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कंफर्ट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ ड्रग. बफर्स क्या करते हैं, जो भी हमारा आई ड्रॉप होता है उसको कंफर्ट बनाते हैं, सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए ड्रग की स्टेबिलिटी. फिर आता है विस्कोसिटी. विस्कोसिटी इंक्रीज द प्रोलॉन्ग एक्शन. विस्कोसिटी क्या करती है, आई टाइम पे पेनिट्रेट होने के लिए या प्रोलॉन्ग एक्शन शो करने के लिए यूज़ किया जा कुछ सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए. मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल. अब आते हैं वेटिंग एजेंट. वेटिंग एजेंट क्या होते हैं, यूज़ फॉर द प्रॉपर पेनिट्रेशन. वेटिंग एजेंट किस लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रॉपर पेनिट्रेशन के लिए कॉर्निया में. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है पॉलीसॉर्बेट 80, पॉलीसॉर्बेट 20, दीज आर द वेटिंग एजेंट. एंटी ऑक्सीडेंट, दे आर यूज टू आई ड्रॉप टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन. क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेंट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो हमारे जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना कर ले, इसलिए एंटी ऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है. फिर आते हैं क्या एग्जाम्पल, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटासल्फेट. चिलेटिंग एजेंट, दे आर केमिकल कंपाउंड रिएक्ट विद, ये कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं मेटल आयन से रिएक्ट कर लेते हैं, फॉर्म आ स्टेबल और उसे स्टेबल बनाते हैं, जैसे कि प्रोफीन और डिमेक्रोपॉल, इथाइल इडियामीन. ओके,
फिर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। दे शुड बी स्टराइल, वो स्टराइल होने चाहिए। दे शुड बी आइसो ऑस्मोटिक विद लैक्राइमल सिक्रीशन, आइसो ऑस्मोटिक होने चाहिए लैक्राइमल सिक्रीशन के साथ। दे शुड बी फ्री फ्रॉम फॉरन पार्टिकल्स, फॉरन पार्टिकल से फ्री होने चाहिए लाइक फाइबर फिलामेंट से। दे शुड बी चीपेस्ट, ये सस्ते होने चाहिए। दे शुड बी नॉन टॉक्सिक, जहरीले नहीं होने चाहिए या साइड इफेक्ट ना शो करे। दे शुड बी नॉन इरिटेंट, इरिटेशन ना कॉज करे। दे शुड बी ईजली अवेलेबल, ईजली मार्केट में अवेलेबल हो। प्रिकॉशंस क्या क्या लेते हैं आई ड्रॉप को हैंडल करते समय। नेवर टच द ड्रॉपर सर्फेस, भाई आई ड्रॉप जब देखते तो ऊपर जो ड्रॉपर लगा होता है उसको हमें कभी टच नहीं करता है। नेवर रिंस द ड्रॉपर, ड्रॉपर को कभी धुलना नहीं है। नेवर यूज आई ड्रॉप दैट चेंज द कलर, वो आई ड्रॉप कभी नहीं यूज करना जो कलर चेंज कर देता है। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप डू नॉट क्लोज द आईज टाइटली। आफ्टर इंस्टॉलेशन आईज, जब हम ड्रॉप डालेंगे इंस्टॉल करेंगे आईज में तो आईज को टाइटली क्लोज नहीं करना है। ओके थैंक यू, दैट्स इट, दैट बी